गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को, उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम पिछले वीक बात कर रहे थे थ्रोट चक्रा के बारे में, कंठ चक्रा, विशुद्धि चक्रा। ये चक्रा हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके पश्चात जब आप आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं, अगर हृदय चक्र, कंठ चक्र का आपस में बैलेंस होता है, तो जब आज्ञा चक्र पे दोस्तों पहुंचते हैं तो फिर वहां आज्ञा होती है। जो आप चाहते हो आपकी सोच से होने लगता है, आपके विचारों से होने लगता है। इसलिए इस चक्रा को बहुत ध्यान देना चाहिए। कंठ चक्र जब भी इम्बैलेंस होता है, नेगेटिव सिचुएशन में होता है, या और कोई कारण होते हैं जिससे कंठ चक्रा का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो तब दुनियावी रूप से लगने लगता है कि जैसे आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पा रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो जो आपके अंतर है उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, वो लिखा नहीं जा रहा आपसे। किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप बहुत सोच के गए थे पर उस मीटिंग में वो सब बातें गौण हो गई, मौन हो गई, जो आप सोच करके गए थे, विचार करके गए थे, जो आपने होमवर्क किया था। कोई बिजनेस की मीटिंग है, ऐसी स्थिति होगी। कभी स्टेज पे जाओगे, ऐसी स्थिति होगी। आपने देखा होगा कितनी बार कितने अच्छे अच्छे वक्ता रुक जाते हैं। कंठ चक्रा का अच्छा होना, आप श्रोता भी बहुत अच्छे होते हो, आप वक्ता भी बहुत अच्छे होते हो, तो इसका समझ लीजिए बैलेंस है। जो आप जुबान से कहते हो वो पूरा होने लगता है, समझ लीजिए आपका कंठ चक्रा अच्छा है। फिजिकल रूप से जब कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र नेगेटिव होता है तो बहुत सी गले के अंतर्गत आने वाली, कान में अंतर्गत आने वाली, इससे आगे पीछे रिलेटेड कंधों के ऊपर कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ इसी कारण से होता होगा, और भी कारण होते होंगे पर ये भी एक कारण होता है। इस चक्रा को ठीक रखने के लिए, वाणी को ठीक रखने के लिए आप इस चक्रा की ओर ध्यान दें। स्पेशली कभी आपको छोटे बच्चे में हुकलाने की, तुतलाने की स्थिति दिखने लगे, आप लगने लगे कि वो लेट बोल रहा है, लेट एक्ट करता है, ऐसी स्थिति में भी उसके चक्रा को, कंठ चक्रा को हीलिंग देनी चाहिए।
माँ नील सरस्वती जी का जाप करना चाहिए। आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करके उस व्यक्ति को जहाँ हीलिंग देनी चाहिए। अचानक जल्दी जल्दी गला खराब होता हो तो भी कंठ चक्रा को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये जीवन बहुत कठिनता से मिला है। कुछ चीजें तो हमारे वश की नहीं थी। हमने कहां जन्म लिया, किस परिवार में पैदा हुए, किस शहर में, किस गांव में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, ये तो उस ईश्वर की कृपा थी। जैसा हमारा पास्ट कर्म का लेना देना था वहां होंगे हो गए। पर कुछ चीजें, मैं तो ऐसा कहूं बहुत कुछ, सभी कुछ आपके वश का है। आप सक्सेस होने के लिए पैदा हुए हो, कामयाब होने के लिए पैदा हुए हो, और उस सब में जो एक चमत्कार है हमें भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया, वो आपका संकल्प बल, मेडिटेशन, मंत्र जाप। संकल्प इतना दृढ़ है, राजा जनक के बारे में आपने सबने उनका नाम सुना होगा। बहुत बड़े सम्राट हुए और बहुत बहुत बड़े महापुरुष हुए, बहुत बड़े आध्यात्मिक संत भी हुए। उनको जब भी पढ़ते हैं कुछ सीखने को मिलता है। और उनके गुरु थे श्री अष्टावक्र जी, अष्टावक्र महर्षि। एक बार गुरु के चरणों में गए, बोले गुरुवर ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग चीज क्या है, सबसे मजबूत क्या है। महर्षि हंस पड़े, बोले राजा सबसे मजबूत चीज लोहा है। फिर राजा जनक सोच में पड़ गए, बोले इससे भी मजबूत चीज बताओ और क्या है। बोले लोहे से मजबूत अग्नि है। जब अग्नि में लोहा जाता है तो जैसे पिघल जाता है, पिघलने के बाद जो चाहे आकार दे सकते हो, जैसा चाहे बना सकते हो। राजा ने फिर पूछा, गुरुवर इससे और मजबूत क्या है। बोले इससे मजबूत पानी है। जैसे पानी को अग्नि पे डालते हो, अग्नि शांत हो जाती है, उसका नामो निशान नहीं रहता। राजा जिज्ञासु था, उनका परम शिष्य था, फिर भी शांत नहीं हुआ। बोले गुरुवर इससे और स्ट्रांग क्या है, इससे और मजबूत क्या है। तो अष्टावक्र जी ने जवाब दिया, सबसे मजबूत स्ट्रांग जो ओनली ओनली दुनिया में इंसान के पास है, वह है आपका संकल्प। बोले संकल्प से दृढ़ दुनिया में और कुछ भी नहीं है। फिर राजा ने पूछा, गुरुवर इससे मजबूत। बोले इससे मजबूत इंसान है जिसको संकल्प करने की शक्ति मिली है, जिसको अपनी मर्जी से वो संकल्प कर सकता है। पशु को, पक्षी को संकल्प की शक्ति नहीं है, उसकी शक्तियां सीमित हैं। मनुष्य की शक्तियां असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं, वो कुछ भी कर सकता है। गुरुदेव कहते थे कि मनुष्य अपने कर्म करता करता देवता तक भी पहुंच सकता है, और बुरे कर्म करता करता राक्षस भी बन सकता है।
राक्षस को भी शर्म आने लगे, आपके संकल्प मजबूत हों, आपके संकल्प सुदृढ़ हों, आपके संकल्प प्रैक्टिकल रूप लें। इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें आप। सुबह में, शाम को कम से कम 40-40 मिनट ध्यान में, साधना में, माता रानी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में जरूर बैठें। और अपना एक टाइम टेबल निश्चित करें कि आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। ट्वेल्थ फरवरी से, शुक्रवार से माता जी के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, उसमें आप अपनी संकल्प शक्ति को, आप अपनी गोपनीय शक्तियों को बहुत बढ़ा सकते हो। तो गुप्त नवरात्रि है, सामूहिक रूप से आमतौर पे आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे मंत्र का जाप करें। जो विशेष साधना में जाना चाहते हैं अपने गुरुदेव से पूछ के जो कहते हैं वो करें। और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं मुझसे भी। आपको अपने संकल्प को, अपनी सोच को, अपने संस्कार को बहुत मजबूत करना है। आप फास्ट करते हो, फास्ट में नियम बनाते हो कि आज मुझे अनाज नहीं खाना, मुझे लिक्विड ऊपर फास्ट करना है, मुझे फ्रूट के ऊपर फास्ट करना है, और छोटा सा संकल्प लें। बार बार आपसे प्रार्थना करता रहा हूं पिछले सालों में, ऐसा संकल्प लें कि मुझे जैसे शारीरिक शुद्धि के लिए, भगवान के चरणों में जाने के लिए कुछ ही चीजें लौ हैं मुझे जीवन में, ऐसे ही कानों का व्रत भी ले लें कि ना मुझे किसी की नेगेटिव बात करनी है, ना नेगेटिव सुननी है। आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आप सुबह सुबह उठते हो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देखते हो, फिर उनको आगे आगे फैला देते हो। आपको पता चल जाता है देखने से कि जो रॉन्ग मैसेज होगा तो उसको वहीं से डिलीट कर दें। अगर एक बार पढ़ लिया तो जहां से डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे वाला जो मैसेज है उसको जरूर फॉरवर्ड कर लें। पर इन चीजों के ऊपर कम टाइम देंगे आप, अपनी साधना में, अपनी सोच में, अपने विचार में ज्यादा टाइम देंगे तो आप बहुत बढ़ पाएंगे आगे, क्योंकि आगे आज्ञा चक्र के ऊपर, संकल्प शक्ति के ऊपर ही बात करेंगे। उससे पहले पहले आप अपनी तैयारी कर लें। जैसे आपका कंठ चक्र अच्छा नहीं है, आप जानते हैं इसका कलर ब्लू है, धुएं जैसा ब्लू, देवता आकाश है, पर आप इसमें मां नील सरस्वती जी का ही मंत्र जाप करें, अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें। हम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हम न मैं का भी जाप कर सकते हैं। और जब तक आप अपने साथ किया हुआ प्रामिस पूरा नहीं करोगे तब तक आप प्योरिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। अपने इष्ट को, अपने गुरु को पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। आपकी जेलसी, आपके नेगेटिव विचार ऐसे हैं कि आपने 100 kg दूध इकट्ठा कर लिया, बहुत खुशी की बात, बहुत कुछ जमा कर लिया, और जेलसी नेगेटिव ऐसी कि उसके ऊपर नींबू डाल दिए, दही डाल दिया, वो खत्म हो गया।
भगवान ने हमें अनलिमिटेड शक्तियां दी हैं, अनलिमिटेड सोर्स दिए हैं, और आप अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करें। पर ध्यान रहे कि संकल्प शक्ति के साथ साथ जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी बनना चाहते हो, जो भी आगे होना चाहते हो, उसका ज्ञान हासिल करें। ज्ञान का केंद्र भी कंठ चक्र है, और उसके लिए जी जान से पूरी कोशिश कर लें। आप देखेंगे कि आप दूसरे व्यक्ति हो गए, और कंठ चक्र को जहां से ध्यान करके, इमेजिन करके नीले रंग की रेजेज देने की कोशिश करें, ब्लू रेजेज को फील करें, और जिस बच्चे के साथ बच्चे को हीलिंग देना चाहते हैं, कोशिश करें कि कभी कभी ब्लू फूल मिलते हो, ब्लू कलर के फ्लावर मिलते हो, तो उसके रूम में रखें। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अभी हम ध्यान करेंगे, आप अपने आप को विरेचन क्रिया के द्वारा प्योर करेंगे, आप सेवन चक्रा को हील करेंगे। महाकाली जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ, हमारे साथ जो भी कोई नकारात्मक स्थिति है, हे माँ, हमारे सूक्ष्म शरीर से, हमारे स्थूल शरीर से, हमारे सेवन चक्र से, उसको क्लीन करो महारानी। हमारी माइंड से, हमारी बॉडी से, हमारे सोल पे जो भी कोई गंदगी जमा हुई हो, उसको निकालो महारानी। हे महाकाली, आप कृपालु हो, दयालु हो मां। नकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां, सब हीलिंग की शक्तियां आपके अधीन है मां। आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो मां। मेरी सभी नकारात्मक शक्तियों को क्लीन करो मां। आंख बंद रखें, क्लीम कालिकाए नमः का जाप करें थोड़ा सा। क्लीम कालिकाए नमः, 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 क्लीम कालिकाए नमः। मन में मंत्र का जाप करेंगे। क्लीम कालिकाए नमः, 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 क्लीम कालिकाए नमः।
क्लीं कालिकाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, आज्ञा चक्र से रेजेजी निकालते हुए फर्स्ट चक्र को ही लिख देंगे, मूलाधार चक्र को। आप उसको रेजेज दे रहे हो, मूलाधार चक्र शक्तिशाली हो रहा है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, ध्यान में ध्यान देंगे मूलाधार चक्र की ओर। ऐसे ही सेकंड चक्रा की ओर, सेकंड चक्रा को रेजेज देंगे, स्वाधिष्ठान चक्रा को। नाभि चक्रा की ओर आएंगे, नाभि चक्र से हृदय चक्र की ओर आएंगे, कंठ चक्र की ओर, आप हैरान होंगे जैसे जैसे आप डीपली मेडिटेशन में जाएंगे, जैसे जैसे जिस चक्रा को हीलिंग देते हो उस चक्रा के ही कलर आपको नजर आएंगे। और जैसे आप आज्ञा चक्र पे पहुंचते हैं फिर वो उसका कलर कभी कुछ अलग अलग कलर का अपना महत्व है। नकारात्मक शक्तियों से हम बचे रहें, हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल क्लीन रहे, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर क्लीन रहे। ऐसे जहां से आज्ञा चक्र से थर्ड आई से ऐसे रेजेज निकालते हुए पांव से लेके ऐसे गोलाकार घेरा बनाते जाएंगे पूरी बॉडी का। जैसे आपने क्लीनिंग की थी पर ऐसे पांव से लेके पांव से ऊपर घुटनों तक, फिर आगे आगे सभी चक्रा की ओर रेजेज निकालते हुए एक गोलाकार घेरा बना देंगे आप अपनी बॉडी की ओर।
इसी तरह का गोलाकार घेरा हम अपने घर में, हम अपने बिजनेस में, हम अपने परिवार में बना सकते हैं। ऐसी ही हीलिंग हम हमारे जो प्रियजन हैं, जिनको तकलीफ हो, उनको दे सकते हैं। इसके कुछ अलग अलग से विधान हैं, पर मिलते जुलते ऐसे ही हैं। अपने बच्चों को, छोटे बच्चे, उनको मैसेज दे सकते हो, उनको हीलिंग दे सकते हो। किसी को ज़रूरत है उसको हीलिंग दे सकते हो। आपको कितनी खुशी होगी आप देख सोच नहीं सकते हैं जब वो व्यक्ति को लाभ होगा। मजे की बात है, जैसे जैसे आप हीलिंग देते हो आपकी शक्ति और बढ़ती है। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हो किसी के लिए, आपकी शक्ति और बढ़ती है। अभी हसा काला हरीम का जाप करेंगे। हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। स्लोली स्लोली मंत्र का जाप करें। हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। मन में मंत्र का जाप करें। हसा काला हरीम। आँख नहीं खोलेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। हसा काला हरीम, हसा काला हरीम,
गहरी सांस लेंगे नाभि तक, सांस को रोकेंगे आसानी से जितना रोक सकते हैं, फिर बाहर निकालेंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर निकालेंगे। सांस अंदर लें, कुछ क्षणों के लिए रोकें, फिर बाहर निकालें। सांस अंदर लें, रोकें, बाहर निकालें। ओम। अपने इष्ट का ध्यान करें, मन से, वचन से, कर्म से, भाव से पूरी तरह से अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। मां के चरणों में चले जाएं। माँ बहुत दयालु है, कृपालु है। माँ माँ बहुत कृपा करती है, सभी पे कृपा करती है माँ। पर हमें जब मांगना ही नहीं आए तो बात नहीं चल पाती है। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि अपना संकल्प, अपना गोल निश्चित करें। सभी महापुरुषों ने कहा है, सभी पीरों ने, फकीरों ने कहा है, सभी सिद्ध पुरुषों ने कहा है। नेगेटिव शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। उसके चरणों में लग जाएं, बहुत कृपा करेगी, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगी, वेल्थ को भी अच्छा रखेगी, आपको अपने चरणों में जगह देगी। गुरु चरणों में लग जाएं, सब कुछ मिल जाएगा। आप अपने इष्ट के चरणों में हैं, माता रानी के चरणों में हैं,
उन्होंने आपका संकल्प, आपका गोल पूरा कर दिया, आपके ऊपर कृपा कर दी। इसको विजुलाइज करें। नहीं कर पाते हैं तो उसकी कृपा को महसूस करें। आप उसके चरणों में हैं। जब आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश हो जाता है तो सब अंधेरा गायब हो जाता है। हमारे जीवन का, हमारे जीवन के सभी दुखों का अंधेरा गायब हो जाता है। जब उसकी रोशनी आती है तो कृपा ही बरसती है, कृपा ही बरसती है। उसकी कृपा से आप नहा रहे हो, उसकी कृपा से स्नान कर रहे हो, उसकी कृपा की बारिश हो रही है। माँ कृपा करो, कृपा करो, माँ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, महारानी कृपा करो। आपका संकल्प, आपका गोल पूरा हो गया। माँ ने कृपा कर दी। बस गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट देवता का, माता रानी जी का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें कि माँ तू बड़ी कृपालु है, दयालु है। माँ आपने मुझ पे भी कृपा की, माँ मेरे परिवार पे कृपा की, माँ सभी भक्तों पे कृपा की। माँ अभी मयूर पंख मुद्रा करेंगे। धीरे धीरे मयूरपंख मुद्रा को कैंसिल करेंगे। दोनों हाथों पे ऐसे आज्ञा चक्र पे रखें। धीरे धीरे आंख खोलें, हाथों को देखें, स्पर्श करें अपने फेस को। महारानी आप पे कृपा करें, आपके गोल पूरे हों, आपके संकल्प पूरे हों, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस होएं, भौतिक जर्नी में भी सक्सेस होएं, परिवार के साथ खुश रहें, तरक्की करें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं। आपने सुना, कोई गलती हो तो क्षमा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंत में फिर आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, माता रानी को प्रणाम करता हूँ।